So hello everyone, I'm Kiran and welcome back to my channel and my channel is Indian Mom On Duty. So आज मैं आपको एक खुशखबरी देने वाली हूँ। मुझे अभी बाबा रामदेव का मेल आया था। उन्होंने बोला है कि मैं, किरण रासिंह और अनिका, हम दोनों ही पतंजलि प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। Just kidding guys, क्योंकि आजकल इतने पतंजलि प्रोडक्ट्स के रिव्यू जा रहे हैं कि मुझे फीलिंग आ गई है कि यस आई एम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पतंजलि प्रोडक्ट्स। और फीलिंग लेने में किसका क्या जा रहा है, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा है। तो आई एम जस्ट फीलिंग टू गुड। एंड ये है मेरा मॉम्स लाइफ अपडेट वीक 25। ओके, हम लोग 25 में आ गए, कितना दूर। एंड फाइनली मौसम क्या प्लेजेंट हो गया है। ओ माय गॉड, आई रियली नीड वेकेशन विथ माय हस्बैंड, क्योंकि इतना अच्छा प्लेजेंट वेदर। ओ गॉड, एंड इट्स लाइक अमेजिंग। मुझे रेनी सीज़न बहुत पसंद है, मुझे भीगना बहुत पसंद है। जब हम लोग कॉलेज में होती थी मैं, तो लिटरली मैं प्लान बनाती थी अपने दोस्तों के साथ कि मैं जाऊंगी, भीगूंगी। एंड वही होता था, हम लोग जाते थे, अपने बुक्स को प्लास्टिक में कवर करके, बैग वाटरप्रूफ तो होती थी। एंड देन एक घंटा जो पानी में भीगते थे, खेलते थे। ओ माय गॉड, आई रियली मिस दोज डेज। ओ गॉड, सो अभी चाह के भी नहीं भीग सकते हो यार, मतलब बीमार में पड़ जाते हो। मतलब आजकल की इम्यूनिटी और तब की इम्यूनिटी में काफ़ी फ़र्क भी हो गया है। सो आई रियली मिस दोज डेज। एंड मुझे रेनी डे से बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा लगाव है। आई जस्ट लव रेनी डेज। एंड ये जो मैं 6 साल के बाद मुंबई की रेन सीज़न इन्जॉय कर रही हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इस 6 से भी ज़्यादा, आई थिंक 8 साल मैं मुंबई से बाहर थी। मतलब आती जाती रहती थी, बट जनवरी में आती थी मैं, एंड रेनी सीज़न में नहीं आती थी। लिटरली मैंने इस सीज़न को इतना मिस किया था। एंड फाइनली आज मैं उस सीज़न को वापस एंजॉय कर रही हूँ। दैट्स रियली अमेजिंग फीलिंग फॉर मी। एंड आई जस्ट लव इन दिस वेदर। दिस डेज हम लोग मस्त बालकनी खोल के सोते हैं, मस्त। एसी की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, इतना प्लेजेंट मौसम हो गया। आई जस्ट लव इट। मैं इसके बारे में कितनी भी बात करूँ ना कम है, क्योंकि मुझे इतना पसंद है। एंड फाइनली अनिका की स्कूल रूटीन रेगुलर एक ट्रैक पे आ चुकी है ना। वो एक ट्रैक पे आ चुकी है, और वो अभी आपको मेरी वीडियो में बहुत कम दिखने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका स्कूल रूटीन चालू हो गया है। सो या अभी भी वो स्कूल में है, मैं ऑफिस में हूँ, और मैं यहाँ से अपनी लाइफ अपडेट दे रही हूँ विदाउट अनिका। एंड अभी हमको अनिका बहुत कम डिस्टर्ब करने वाली है, और आप सब लोग अनिका को बहुत मिस करने वाले हो फॉर श्योर, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप लोग अनिका को कितना मिस करते हो। एंड दिस डे आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। एंड मैं ट्राई कर रही हूँ कि एक दिन में 2 वीडियोज़ अपलोड करूँ। देखा, इसको बोलते पावर। क्योंकि अगर मैं कुछ ठान लेती हूँ ना, फिर वो करके रहती हूँ। एंड मेरे पीछे जो ठानने वाले हैं वो मेरे हस्बैंड हैं, जो कि मुझे मोटिवेट करते कि यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। एंड आई वाज लाइक ओके, ठीक है, 2 वीडियो पर डे। एंड देन 1-2 दिन मैंने करके देखा, एंड लिटरली ये भी मेरे लिए काफ़ी इजी हो गया। एंड मेरे हस्बैंड ने बोला, देखा मैंने बोला था ना तुम कर सकती हो। तो मैंने बोला, भाई आप मुझे चढ़ा रहे हो, या मतलब मैं कहीं उल्लू तो नहीं बन रही हूँ। देन मैंने सोचा उसमें मेरा ही फ़ायदा है, मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, एंड आप लोग को मज़ा आ रहा है, 2-2 वीडियो मिल रहे हैं, सब कुछ नया हो रहा है यूट्यूब इंडस्ट्री में। क्योंकि 2 वीडियो पर डे कौन देता है, बट आई एम ट्राइंग। तो लेट्स सी कितने दिन काम करता है। आई डोंट नो कितने दिन काम करेगा, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। एंड ये ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज, क्योंकि यू गाइज मेकिंग मी पावरफुल डे बाय डे। दैट्स अ लॉट टू मी। मतलब आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो, इतने क्यूट अच्छे कमेंट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, which really making me powerful. Today I am strong, just because of you guys, and I love you so much and thank you so much for everything and keep supporting me and God joking. And I'm also thinking for meet and greet, but I don't know kab plan hoega. I don't know. I'm dying to meet you guys. I'm dying to meet you, and I don't know wo moment kaisa hoga. I really don't know. And today I record a video for this makeup look. It's my everyday office makeup look. Basically it's like glowing makeup look. You can see highlighter everywhere. It's not a full face of highlighter challenge, but still highlighting. I just love Devi glowing skin makeup look and no eye makeup, because रेनी सीजन अगर मुंह पे पानी आ गया मे भी कोई काजल स्प्रेड हो गया, फालतू में इज्जत क्यों खराब करनी. सो या, एंड टुडे आई एम सो हैप्पी. आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक सबको हैप्पी रहना चाहिए क्योंकि इसी में सबकी भलाई है. अदरवाइज दुनिया में दुख की कमी नहीं है. तो एंड लॉट्स ऑफ गुड वीडियो कमिंग ऑन योर वे. एक ब्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया है पर उसके साथ कहानी हो गई है कि वो स्टार्टिंग वाले वीडियो की क्लिप्स मेरे पास है, एंड वाली भी है, जो बीच में 2-3 घंटे की वीडियो क्लिप्स है वो कहीं खो गई है. एंड आई एम सर्चिंग बैडली कि कहाँ गई है, कहाँ सेव हुई है, वो कहाँ गई है, कहीं तो गई है, कहाँ गई है, आई डोंट नो. तो मे बी वो लोग वैकेशन पे गई है, घूम फिर के मेरे पास आ जाएंगी, फिर मैं वो व्लॉग पोस्ट कर दूँगी. सो देखते हैं वो वीडियो क्लिप्स कब वैकेशन से वापस आती है. टिल देन मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी उनको ढूंढने में. एंड दिस वीक इज़ अगेन हैक्टिक वीक फॉर मी. एंड मेरे मॉम डैड जो है वो अपने गाँव गए हैं, एंड आई एम रियली मिसिंग देम. एंड मेरा भाई यहीं पर है, बट भाई एज़ यूजुअल बिज़ी है अपने ऑफिस में. वैसे मेरी मम्मी मुझे यहाँ पे रोज़ मिलने तो नहीं आती, बट वो यहाँ पे होती है तो एटलीस्ट पता रहता है कि अच्छा वो यहाँ पे है. बट नाउ शी इज़ देयर, तो आई फील कि ओके कब आएगी. सो आप एंड आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ लेट मी नो बिलो इन कमेंट बॉक्स कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. आई वुड लव टू नो. एंड लुक एट दीज टू गेस्ट, इनको बेकिंग सोडा लगाया, दे लाइक ड्राई आउट हो गए, बट उनको थोड़ा सा और बेकिंग सोडा खाना है. दे आर सेइंग कि हमको और थोड़ा बेकिंग सोडा खिला दो प्लीज़. तो मैंने बोला नो वरीज, मैं आज रात को घर जाके आपको थोड़ा और ज़्यादा बेकिंग सोडा खिलाती हूँ जिससे आप यहाँ से फूट लोगे. सो लेट्स सी कि ये दोनों कब यहाँ से फूटते हैं. एंड मेरे साथ हर साल जून में ऐसे ही होता है, मेरे फेस पे पिंपल आ जाते हैं. आई डोंट नो, जब से अनिका हुई है समथिंग कुछ हार्मोनल चेंज हो गया, पर हार्मोनल चेंज को मंथ कैसे पता, आई डोंट नो. जून उनको जून मंथ कैसे समझ में आता है कि एक बार क्या हुआ था 2 साल पहले, यहाँ पे फुल मुझे एक्ने हो गया था. मैं डिप्रेस हो गई थी, मैं पागल हो गई थी. मैं डॉक्टर के पास भी गई थी जिन्होंने मुझे 10,000 की लिस्ट बना के दी थी कि ये करो वो करो वो करो वो करो. देन मैंने बेकिंग सोडा के बारे में सुना, उसको लगाया, अरे वो 10,000 बच गए मेरे. और सिर्फ बेकिंग सोडा कितने का आता है, 30-40 रुपये का, काम हो गया मेरा. 10,000 बचा लिए बेकिंग सोडा ने मेरे. एंड विदिन 2 डेज़ में मेरे सारे एक्ने भी चले गए. और डॉक्टर ने जो डिस्क्रिप्शन इतनी बड़ी दी थी, आई डोंट नो कि वो कब जाते, कितने दिन में जाते, आई डोंट नो, बट दैट थिंग रियली वर्क्स फॉर मी. ओके, एंड मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ इन सब चीज़ों में, होम रेमेडी एंड ऑल, बिकॉज दे वर्क यार, दे वर्क एक्चुअली. एंड यार मुझे कपड़े शॉपिंग करने हैं. लिटरली मेरे जो कबोर्ड है वो पूरी मैस हो चुकी है, मेरे पास टाइम नहीं कि मैं उनको ठीक कर पाऊँ. एंड मुझे कुछ कपड़े भी नहीं मिल रहे, जो भी मेरे ऊपर मिल रहे मैं उनको ही पहन के आ रही हूँ. और मुझे बहुत लोग आजकल कमेंट कर रहे हैं कि यू आर रिपीटिंग द टॉप, रिपीटिंग द टॉप्स, बट गाइज प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हो गई है. सारे कबोर्ड्स के कपड़े नीचे चले गए और ऊपर वो वही रोज़ कपड़े आ जाते. आज मैंने मेड को बोला प्लीज़ मेरा कबोर्ड साफ़ कर दो, लेट्स सी कि वो मेरा कबोर्ड कब साफ़ करेगी. मेड ही मेरी सब कुछ है, उसके बिना मेरी लाइफ तो जैसे रुक जाती है. सो देखते हैं, आज हो सकता है वो कपड़े मेरे ठीक करके दे तो कल मुझे कुछ पहनने के लिए मिले, नहीं तो ये टॉप मुझे लगता है परसों तरसों मैं वापस पहन लूँगी. सो यही मेरे आज का लाइफ में हो रहा है, बट आई एम रियली एन्जॉइंग दिस मैसी लाइफ. एक्चुअली हस्बैंड को बोलने के लिए कुछ रहा नहीं आजकल क्योंकि उनको पता मैं दिन भर यहीं पर रहती हूँ, मैक्सिमम टाइम अपने वीडियो एडिट करती हूँ। नहीं तो पहले बोलते थे अरे तुम्हारे अपने कपबोर्ड देखा है क्या हालत कर दी है, तुमने ये देखा है क्या हालत कर दी है, देखो तुम्हारा मेकअप किधर फेंक गया। आजकल वो मुझे कुछ नहीं बोलते, बोलते अच्छा ठीक है तुम कर लोगी। आजकल वो बड़े सपोर्टिव होते, इतना सपोर्टिव तो मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पता होता इतना सपोर्ट करने वाला तो ये फील्ड में पहले ही ज्वाइन कर लेती। एंड पहले बोलते थे कितना गंदा मेसी कबोर्ड है, कैसे मेकअप फेंका हुआ है। और अभी छोड़ो जाने दो, तुम कर लोगी, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, आई नो कर लोगी कर लोगी। सो ये है मेरी लाइफ की अपडेट। आई रियली होप कि आपको पसंद आ रही होगी। आई एम रियली ट्राइंग बेस्ट फॉर यू गाइज। ओ गॉड गिव अवे का सामान भूल गई। हाँ चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको गिव अवे के सामान दिखा के गिव अवे अनाउंस करूँगी। शेट शेट शेट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ माई मॉम्स लाइफ update week 25. I really hope you like it. If you really like it, then please give me a big hit and please make sure to subscribe for my channel. And yeah, till then, bye and take care and love you so much.